Hello everyone, I welcome you all once again on my YouTube channel TCS Paathshala. मैं शक्ति प्रकाश ओझा. जैसा कि हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज में आज दूसरा टेस्ट आप दे चुके हैं, दूसरे टेस्ट के सोल्यूशन इस वीडियो में मुझे देना है. तो आज के जो क्वेश्चन रहे हैं टॉपिक मोस्टली रहा है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ से लिया गया है, किस देश से, और दूसरा जो है वो भाग एक के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 का कुछ प्रावधान इसमें दिया गया है. कुल 50 नंबर के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, कट ऑफ अभी डिसाइड हम लोग कर लेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो आपका है उसमें दिया है कि संघ व राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया है. आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ एक केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होती है, हर राज्य में अलग अलग. तो जो हमारे यहाँ शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है वो अनुसूची नंबर 7 में रखा गया है, और अनुसूची नंबर 7 के तहत 3 लिस्ट रखी गई है, जिसमें एक संघ सूची है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची है, और तीसरी कंकरेंट लिस्ट जिसे आप समवर्ती सूची कहते हैं. संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय दिए गए हैं कुल 100 विषयों का प्रावधान है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, जबकि जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत दिए गए हैं उनमें राज्यों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, और जितने विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है उस पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है. यदि कभी किसी भी कानून पर जिन पर राज्य और केंद्र दोनों आमने सामने आ जाए, किसी पे विवाद खड़ा हो जाए, तो जो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून होगा उसको वरीयता मिलेगी और वही कानून लागू होगा. एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जो पुराने विषयों के अंतर्गत नहीं होते हैं, अन्यत्र विषय होते हैं, अलग से होते हैं, जिनका वर्णन किसी भी लिस्ट में गिवन नहीं होता, तो उन सारे विषयों को हम रेसिडुअल लिस्ट में रखते हैं, और रेसिडुअल लिस्ट में जो भी विषय होता है भारत में उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को है. जबकि अमेरिका में यही थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहां पे जो लाइक रेसिडुअल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार वहां की स्टेट गवर्नमेंट को होता है, प्रत्येक हर एक स्टेट को होता है. आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं. तो पहले वाले का आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया. नंबर 2, संघ व राज्यों की मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है, आपको बताया अनुसूची नंबर 7 अभी डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 8वीं अनुसूची के में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी. तो जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हुआ तो जो हमारा आयोग बना फजल अली कमीशन 1953 जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट की थी, 1956 का एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना था जिसके आधार पर हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को गठित किया था. एक बात और जानने की आवश्यकता है कि राज्यों का जब गठन हो रहा था तो सबसे पहला जो कमीशन 1948 में बना है वो धर कमीशन रहा है. एस के धर की अध्यक्षता में कमीशन बना हुआ था जिन्होंने ये सजेशन दिया, सलाह दिया कि जो देश का राज्यों का गठन होना चाहिए वो प्रशासन के आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं. लेकिन जब वो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी तो उस पर बड़ा विवाद होने लगा, तो फिर एक जेवीपी कमेटी बनाई गई. जेवीपी कमेटी मतलब जवाहरलाल नेहरू, जे फॉर वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया. जेवीपी कमेटी बनाई गई तो जेवीपी कमेटी ने भी एस के धर कमेटी की सिफारिशों का समर्थन किया. उन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं होगा बल्कि प्रशासन के आधार पर किया जाना चाहिए. लेकिन फिर बहुत ज्यादा विवाद होने के कारण स्पेशली आंध्र प्रदेश के एक आदमी थे श्री रामालू जी, जिनकी डेथ हो गई लगातार 56 दिन के उपवास के बाद, और जिसकी वजह से आनंद फानंद में हम लोगों को 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा. फिर उसके बाद एक फजल अली कमीशन बनाया गया जो 1953 में बना. फजल अली कमीशन ने राज्यों के गठन के बारे में अपनी रिपोर्ट 55 में सौंपी, और 1956 में उसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और जिसके आधार पर हमने 1 नवंबर 1956 को कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठन कर लिया. तो आपका क्वेश्चन जो है उस समय संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, इसी से भाषाओं के आधार पर 14 राज्यों का गठन हुआ था. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का संविधान की किस अनुसूची में है. आप सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लीजिए, समझ लीजिए, जब आपका संविधान बना था तो उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी, और उसके बाद अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई जो कि पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, और पहला संविधान संशोधन कब हुआ है, 1951 में हुआ है संविधान लागू करने के जस्ट 1 साल बाद. उसके पश्चात 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो 52वां संविधान संशोधन था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और ये अमेंडमेंट 1985 में हुआ है, मतलब
1985 में दूसरा जो 52वां संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत हमने 10वीं अनुसूची रखी, इसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण बिल का प्रावधान है, जबकि 10वें अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून का प्रावधान है। तो इस तरह से हम लोगों ने 10वीं अनुसूची जोड़ी। फिर 1973 में संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में हम लोगों ने 1992 में ग्राम प्रशासन से संबंधित विषयों को अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा, और उसके पश्चात हम लोगों ने अनुसूची नंबर 12 जोड़ी 74वें संविधान संशोधन में, और ये भी 1992 में ही जोड़ा गया। ये दोनों अनुसूची जोड़ी तो 1992 में गई थी, लेकिन ये अनुसूची पूर्ण रूप से जब लागू हुई है तो वो 1993 में लागू हुई है, और इसके अंतर्गत ग्राम प्रशासन का 11वीं के अंतर्गत ग्राम प्रशासन और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगम के प्रशासन का चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का प्रावधान है, जबकि 12वीं अनुसूची में कुल 32 विषयों का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 था वो 10वीं अनुसूची वो जोड़ी गई थी दल बदल कानून अनुसूची नंबर 10 में था, ऑप्शन बी करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जबकि बी आर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। तो इसमें प्रस्तावना ऑप्शन में है तो इसलिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एकदम आंसर आप लिख सकते हैं, डी है एन ए पालकी वाला, इन्होंने कहा हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा। तो इसका आंसर ए है, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, आप इसे फैक्ट है एकदम याद करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुसूची 10वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया। अभी अभी डिस्कस हुआ था कि 52वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन, तो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वीं के अंतर्गत कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का क्या मापदंड है। तो देखिए, जब हमारे यहाँ पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो हमने ये निश्चित किया था कि कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेगा, वो आगे चल के भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर प्राप्त करेगा। देखिए, उसके पहले जो पैदा हुए थे वो तो भारत के नागरिक माने ही जाएंगे, वो तो नागरिकता ग्रहण कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में जन्म के आधार पर जिसे ग्रहण करना है वो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, जब हम स्वतंत्र हो गए उसके बाद कोई भी व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में जन्म लेगा तो वो भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो अब अगर प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार की समता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। समानता में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रस्तावना एक बार पढ़िएगा, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं पे कोई चर्चा नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, संविधान में आर्थिक न्याय का किसमें उत्पन्न किया गया है। तो आर्थिक न्याय मतलब इकोनॉमिकल जस्टिस, ये दो जगह वर्णन किया गया है, हमने प्रस्तावना में किया है, और उधर नीति निर्देशक तत्व में रखा है कि भविष्य में जब भी सरकार और देश समृद्ध होगा और वो इस काबिल होगा कि वो चीजों को दे पाएगा आर्थिक रूप से जस्टिस के बारे में, सबको इक्वल सैलरी मिलेगी, ऑल दैट जो भी प्रोसेस था, तो ये प्रावधान हमने दो जगह रखा है, उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 12वीं अनुसूची के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितने विषय हैं। अभी अभी डिस्कस हुआ था 18 विषय हैं, सर मैंने गलत डिस्कशन कर दिया था, आप उसे रिकॉल कर लीजिए कि जो 11वां है ग्राम प्रशासन, गांव में ज्यादा विषय दिए गए 29 है, और जो शहर है 12वीं अनुसूची उसमें 18 विषय, अगर मैंने गलती से गलत डिक्टेट किया था तो उसे आप देख लीजिएगा। ग्राम प्रशासन में 29 विषय, शहरों में 18, तो यहाँ पर 12वीं अनुसूची में शहरों का प्रावधान है, नगर निगम का, तो 18 विषय होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया था। मैं आपको इतनी बात बताता हूँ कि कुल 4 ऐसी भाषाएं थी जो जोड़ी गई थी, जिसमें एक सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डोंगरी थी और मैथिली थी, संथाली थी और बोडो थी। तो अगर आप थोड़े से स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे तो आपको दिमाग में होगा कि ऑप्शन नंबर 3 जो डोंगरी है वो जोड़ी गई थी और आपसे पूछ रहा है नहीं शामिल किया गया था, तो 3 में ऑप्शन नंबर 3 है वो कट जाता है, आंसर डी हो जाता है।
15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के संरक्षण में संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश करने की विधि द्वारा अधिकार दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 2 होगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य क्षेत्र का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत विधि द्वारा नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 16 क्वेश्चन, 16 नंबर देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से, मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली हुई है, आप मैच कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में वित्तीय आपात के उपबंध को कहां से लिया गया है, तो आप देखोगे 10 देश है आपके जिनसे हमने कुछ ना कुछ उधार लिया है, तो 10 देशों में से जो जर्मनी है, जिसे अब वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी भी कहते हैं, वहां से हमने आपातकाल को बंद लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रस्तावना में पहला संविधान, आप याद रखिएगा प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संविधान एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, तो आप 42वां संविधान संशोधन बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो मैंने अभी कहा था कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो ऑप्शन होगा सी, वही करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो आप याद रखिएगा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ ऐसा क्रम है कि आप देख सकते हैं SSDR, इसका मतलब है एस फॉर सॉवरेनिटी, मतलब जिसे आप संप्रभुता बोलते हैं, एस फॉर सोशलिस्ट जिसे आप समाजवाद बोलते हैं, समाजवादी बोलते हैं, एस फॉर सेक्युलर मतलब जिसे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, डी फॉर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातांत्रिक है, आर फॉर रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब गणराज्य है, तो ये शब्दों का एकदम सही क्रम है। प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसमें से समाजवाद नाम का शब्द, ठीक है, और पंथ निरपेक्ष नाम का शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष और नंबर 3 अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन में आज तक एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है जिसमें 3 नए शब्द संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए हैं, तो आपका जो सही क्रम है वो ए है, आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बी.आर. अम्बेडकर ने, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 32 को कहा था उन्होंने, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में, प्रस्तावना में संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द जोड़े गए, यही 3 शब्द थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, आपका ये ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 24 में है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस तारीख का वर्णन है, तो आप देखोगे प्रस्तावना जब पूरी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है मिति मार्च शील शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 बिक्रमी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट हो जाएगा। 25 में दिया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से आया, तो प्यारे बच्चों प्रस्तावना का जो विचार है वो प्रीएम्बल का, वो अमेरिका से आया था, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से ली गई है, तो दोनों में डिफरेंस आप कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता है, और जो हमने कहाँ से ली हुई है, ब्रिटेन देश से ली गई है, संसदात्मक प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से, मैंने कहा तीनों सूचियां हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, अनुसूची नंबर 7 में है, शक्तियों का विभाजन उसे कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन ए हो जाएगा। 27 का 28 में देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूची 9 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, आपने देखा था अनुसूची 9 हमने पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी, और जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में प्रावधान है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 29 आप देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण दिया गया है, तो राज्यसभा के बारे में अनुसूची नंबर 4 में वर्णन किया गया है, जैसे अनुसूची नंबर 1 है जिसके अंतर्गत आप राज्य एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं, अनुसूची नंबर 2 है जिसमें आप वेतन के बारे में बात करते हैं, अनुसूची नंबर 3 है जिसमें आप शपथ के बारे में डिस्कस करते हैं, अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा के बंटवारे, राज्यसभा में कितनी सीटें किस राज्य से जाएंगी इसके बारे में चर्चा है, अनुसूची नंबर 7 के अंत 5 के बाद 4 के बाद 5 और 6 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की चर्चा करता है, 6 जो है वो 4 पार्टिकुलर राज्यों का चर्चा करता है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, 4 राज्यों का प्रावधान है। अनुसूची नंबर 7 शक्तियों का बंटवारा, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। अनुसूची नंबर 8 के अंतर्गत कुल शुरुआत में 14 भाषाएं थी, 14 राज्यों का गठन हुआ था, अभी वर्तमान में 25 भाषाएं आपके हैं। अनुसूची 8 में भाषाओं का प्रावधान है। अनुसूची नंबर 9 भूमि अधिग्रहण बिल
10 के बाद मैंने आपको सारी बातें समझा रखी है। तो क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में प्रस्तावना में संविधान का अंग, तो ये केशवानंद भारती वाद है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि कब प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। केशवानंद भारती वाद 13 जजों की एक बेंच थी और आज तक की सबसे बड़ी बेंच इसी को माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच कौन सी थी, तो केशवानंद भारती की थी, 13 जजों की थी, और उसी में यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। एक बात और, इसी वाद में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी दिया गया था। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था, तो केशवानंद भारती वाद में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ क्या है, तो बंधुता का अर्थ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना, ये सारे ऑप्शन में से बेहतर है, ऑप्शन डी पर आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो मैंने कहा था कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो स्वतंत्रता समता 3 है, स्वतंत्रता 5 है, तो आपको ऑप्शन डी होना चाहिए, शायद आंसर की में बी गिवन होगा, एक बार इसे रीचेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, करेक्शन रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया से दी गई है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संसद में किस राज्य का निर्माण, किसी राज्य का निर्माण, नाम परिवर्तन आदि के लिए विधेयक किस विधि के अंतर्गत पारित होता है, तो याद रखिएगा ये सारे परिवर्तन साधारण बहुमत मतलब उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच कोई क्षेत्र आदान प्रदान नहीं किए जाएंगे, ये 100वां संविधान संशोधन था, एक बार आप रेफर कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको हो सकता है वीडियो में ही एक जगह पे नेट से सर्च करके आपको दे दूं, आप उसे वहां से नोट करिए, अदरवाइज आप एक बार रेफर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 है, निम्नलिखित में से किसके विलय का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचा था, तो ये थोड़ी सी मजेदार कहानी है, ये बेसिकली दादर एवं नगर हवेली के बारे में प्रावधान है, ये थोड़ा सा इंडियन टेरिटरी का मामला आ गया था कि आप दोनों जगहों के बीच में भारतीय क्षेत्र पड़ता था, भारतीय समुद्र पड़ता था, तो जिसपे हमने मना कर दिया था कि भाई आप अपनी सेनाएं जो है वो हमारे टेरिटरी, आजादी के बाद हमने समुद्र सीमा से मामला वो सेना को इधर उधर करने में मना कर दिया, तो ये मामला अंततः अंतर्राष्ट्रीय मामले न्यायालय में गया, फिर इस पे निष्कर्ष हुआ। पहली बार में तो ये कहा गया कि जो है वो पुर्तगाल का वो क्षेत्र है, इंडियन टेरिटरी, कुछ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं करना चाहिए, तो हमने भी अपनी बात रखी कि भाई हम उनके क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, उनका जहाँ कब्जा है वो रहे, लेकिन बीच से जो भारतीय क्षेत्र है जल वाला उसमें से ये सेना नहीं ले जा सकते, तो ये एक मामला था, बाद में वहां से निपटारा हुआ और फाइनली हम लोगों ने एनेक्सेशन इसका दादर नगर एंड हवेली का किया था। पुर्तगाल वहां पे 1779 मतलब 79 से 1954 तक थे, एंड देन आफ्टर हम उसको एनेक्स कर दिए। ये एक मामला था जिसका मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पहुंच गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 37 में। किसी राज्य की राजधानी के नाम में परिवर्तन कैसे होता है, तो ऑप्शन सी है, उस राज्य के विधानमंडल द्वारा और केंद्र सरकार की सहमति द्वारा। तो राज्य का नाम का परिवर्तन है तो वहां की विधानसभा, वहां का लोअर हाउस, वहां का जनता का सदन जो है वो मुख्य होगा और केंद्र सरकार की अनुमति होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम मैंने आपको सिखाया था, बताया था, फजल अली कमेटी 53 रिपोर्ट सबमिट करी, 55 एक और 1956 में एक आयोग बना जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, और उसमें हमने 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39 में, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया, तो याद रखिएगा कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि सिक्किम एक राज्य होगा लेकिन पूर्ण राज्य नहीं था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया जिसे 16 मई 1975 में किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर एवं त्रिपुरा को संघ राज्य क्षेत्र की सूची से हटाकर राज्यों की सूची में कब शामिल किया गया, तो 1971 का अधिनियम है, फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं, करना पड़ेगा, एग्जाम देना है तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके पश्चात 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा धर आयोग, मैंने आपसे बताया था कि धर कमीशन 48 में बना था, रिपोर्ट भी 48 में सबमिट कर दी, फिर हमने जेपीपी कमेटी बनाई, जेपीपी कमेटी के बाद फिर फजल अली कमेटी बनी, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना, तो 1948 में ही बना था, जून 1948 में, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो जून 1948 का। थोड़ा हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं कि जयपुर सेशन था 1948 में कांग्रेस का, सेशन कांग्रेस का वही दिसंबर में हुआ करता था, तो दिसंबर में जो है वो सेशन
हुआ और उसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है जेपीपी कमेटी ने, भाई 48 में तो धर कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी, विरोध हुआ, फिर जेपीपी कमेटी बनी। जेपीपी कमेटी अनाउंसमेंट हुआ था जयपुर सेशन में 1948 में, दिसंबर में सेशन हुआ, फिर उन्होंने अप्रैल में लगभग 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, बताया था, समर्थन दिया था। तो जेपीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सबमिट करी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मूल संविधान में भारत के राज्य का वर्गीकरण किया गया है। अब चार प्रकार के राज्य थे, आप एक बार रेफर कर लीजिएगा, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4। बाद में दो प्रकार के राज्यों को समाप्त कर दिया गया और हमारे पास केवल पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बचे रह गए। तो चार राज्य थे, चार भागों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया था? आप सारे लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था और तेलंगाना आपका अगली राज्य है, तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए? तो भाई आप जाके पढ़ोगे लिखोगे तो वहां दिया, जब पढ़ोगे तो दिया है, सब में सबसे पहले योग्यता में लिखा होता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो चाहे जो पद होगा सब में भारतीय होना चाहिए, तो सभी हो जाएगा, मतलब कि दिया है किस पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, जन्म से भारत का नागरिक होना कोई निश्चित थोड़ी ना, वो जो है कैसे भी हो सकता है। आपके पास नागरिकता नियम में 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करने का वो है, आप जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, आप वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, आप पंजीयन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, आप देशीकरण नेचुरलाइजेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, आप पांचवा क्षेत्र समवृष्टि के द्वारा, मतलब किसी राज्य को एनेक्स कर लिया जाए तो उसके द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि जन्म के आधार पर होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो भाई एक ही ऑप्शन है कि यदि वो भारत में पैदा हुआ हो या जन्म से भारतीय हो, तो जन्म से भारतीय होगा तो नागरिकता हमसे वंचित नहीं करेंगे, कोई कंडीशन नहीं रखेंगे उसके ऊपर। 47 है, नागरिकता अधिनियम 1955 अभी अभी बताया, 5 तरीके से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम के किस धारा में फैक्ट है रेड लो? भाई धारा 6 में कहा गया है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब ये देशीकरण क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए आप किसी राज्य में भारत क्षेत्र में आइए और लगातार आप 10 वर्षों तक रहिए, तो ये होता है कि आप आए और यहीं पर रह गए, मतलब यू बिकेम अ नेचुरल कैंडिडेट ऑफ हियर। तो नेचुरलाइजेशन का मतलब कोई भी व्यक्ति लगातार 10 वर्षों से अगर भारत के क्षेत्र में निवास करे तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। यहीं पर पंजीयन के लिए मिनिमम 7 वर्ष रहना पड़ेगा और 7 वर्ष के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, 10 वर्ष हो जाएगा तो नेचुरली आप भारतीय हो जाएंगे। 48 के बाद 49 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा पद है जिस पर केवल भारत के नागरिक की नियुक्ति की जा सकती है? तो भाई चाहे जो भी पद होगा उसे भारतीय होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 पद जो दिए हैं, तीनों पद में पहली योग्यता होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सभी हो जाएगा, आंसर डी। 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, नागरिकता अधिनियम 1955 की 3री अनुसूची में क्या दिया गया है? तो भैया प्रकृतिकरण की शपथ, मतलब नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 50 क्वेश्चन थे, आप अपने आंसर्स को मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कितने करेक्ट हुए कितने गलत हो गए, क्यों गलत हुए इस पर भी एनालिसिस करिएगा। कल के दिन हम लोग टेस्ट नहीं रखेंगे, डे आफ्टर टुमारो हम लोग का अगला टेस्ट होगा। टॉपिक आपके आपके ग्रुप पे गिवन होगा, मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों ये टेस्ट है, अभी भी अगर कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है तो वो आप उसे बता सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। और आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को रेफर भी करिए ताकि लोग इसे और भी लोगों तक ये बात पहुंचे और उन्हें भी इन सब बातों का, इन सब टेस्ट का और आगे सब्जेक्ट जो स्टार्ट होंगे उनका लाभ मिल सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, थैंक यू।